दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपको इस समय पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मेरे पास अक्सर ये सवाल आता है कि सर मैं बहुत दिनों से दवा ले रहा हूँ होम्योपैथी की, लेकिन फिशला मेरा ठीक नहीं हो रहा है, पाइल्स मेरा ठीक नहीं हो रहा है, फिशर मेरा ठीक नहीं हो रहा है, या जीसीटी है या और भी कोई बीमारी है वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो पा रही, इसका कारण क्या है। तो दोस्तों आज मैं आपसे इसी चीज़ के बारे में जानकारी दूंगा कि ये क्यों ठीक नहीं होता है और मेरे रिजल्ट्स और डॉक्टर की अपेक्षा ज्यादा अच्छे क्यों होते हैं, इसका क्या कारण है वो भी मैं आज आपसे शेयर करूंगा। इवन एक एक्सपीरियंस भी आपको शेयर करूंगा। मैं एक मेरे पेशेंट हैं मिस्टर शौकत अली, दिल्ली से हैं, उनका मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ पिछले एक महीने से, और एक महीने के अंदर में उनकी क्या कंडीशन थी और क्या अभी है वो आपको सुनने को मिलेगा। इवन उनसे मैंने बोला हुआ है कि अगर वो वीडियो बना के दे सकते हैं तो और भी अच्छा रहेगा। उनकी अवस्था है 82 साल दोस्तों, 82 इयर्स के हैं, और जो इम्प्रूवमेंट है वो जबरदस्त है। ठीक है, तो मैं उसका कुछ पिक्स भी आपको लगा दूंगा, आप देख सकते हैं उसको, या फिर मैं चूंकि YouTube की कुछ गाइडलाइंस होती हैं तो पिक्स बहुत ज्यादा नहीं लगा सकते हैं, लेकिन ऑडियो में जरूर उनकी सुनाऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो बेसिकली जो बात करना चाह रहा था कि मेरे ट्रीटमेंट में और उनके ट्रीटमेंट में जो और डॉक्टर्स हैं उनमें अंतर क्या होता है। दोस्तों मैं जो ट्रीटमेंट करता हूँ उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन। जब मैं बात करता हूँ तो बड़े सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन कौन सी दवा है। तो मैं आपको बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन कोई दवा नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन अलग अलग दवा होती है। हर इंसान का एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसके आधार पर दवा भी अलग हो जाती है, और मैं इसी के आधार पर ट्रीटमेंट करता हूँ। साथ में और दवाओं का सपोर्ट अगर आप लेते हैं और विथ कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के साथ में, तो आप देखेंगे कि आप किसी भी बीमारी को इजीली ठीक कर पाएंगे, और मैं इसी पे काम करता हूं। यही कारण है जिसकी वजह से मेरे रिजल्ट्स और लोगों की अपेक्षा ज्यादा बेटर होते हैं। तो दोस्तों हमेशा इस चीज को ध्यान रखिए कि अगर आप किसी भी चीज का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन जरूर इस्तेमाल करें। कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन का फायदा क्या होगा कि आप किसी भी इंसान के अंदर की जो चीजें होती है उसको आप सही कर पाते हैं, आप रोग से लड़ने की जो क्षमता होती है बॉडी की, जिसको इम्यूनिटी कहते हैं, जिसको हम वाइटल फोर्स करते हैं होम्योपैथी की भाषा में, उसको आप जगा सकते हैं। जब वो जाग गई तो फिर बॉडी की हीलिंग अपने आप हो जाती है, बॉडी अपने आप को खुद हील कर लेती है। तो यही कारण है दोस्तों कि मेरे रिजल्ट्स ज्यादा अच्छे आते हैं और लोगों की अपेक्षा। ठीक है, तो जो लोग भी चाहते हैं मुझसे ट्रीटमेंट लेना, नंबर नीचे दिया हुआ है व्हाट्सएप नंबर, वहां पे मैसेज कर सकते हैं। और अगर खुद से ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन को अपने बढ़ाएं, अपनी इन्फॉर्मेशन को अगर आप बढ़ा लेते हैं, अगर खुद से अपना कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन को आप फाइंड आउट कर पाते हैं तो डेफिनेटली आप खुद से भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है जितना सुनने में लगता है, क्योंकि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जानने की समझने की जो कि एक डॉक्टर को ही पता होती है। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप किसी डॉक्टर के सानिध्य में रह करके ही ट्रीटमेंट लें जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देता हो। ठीक है, तो आप भी किसी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं पहले शौकत सर का, उनके क्या एक्सपीरियंस है। पहले से कैसा लग रहा था? पहले से तो बेटर है, और बेटर जी। किस किस चीज में बेटर महसूस हो रहा है? जैसे मतलब एक तो प्रॉब्लम दे रहा था ना, जैसे बैठने वाला है। हाँ। और जिसके नीचे वाला जो काफी दूर तक लेफ्ट से राइट सूजन तो कम हुई है, लेकिन वो जो मतलब जैसे जरा स्ट्रेच होता है ना तो पेन होता, मतलब पेन होता है। फिशुला में जो पेन हो रहा था काफी कई जगह से ओपनिंग थी आपकी ना? बहुत ज्यादा पेन नहीं हो रहा है, मतलब नॉर्मली नहीं हो रहा है। अब सही है, जरा सा डिस्ट्रेच हो जाता है ना जैसे, क्योंकि उससे लगा के बैठते हैं तो मतलब तब फील होता है, और सूजन भी कम हुई है। सूजन कम हुई है? सूजन कम हुई। ओपनिंग से जो पस आ रहा था आपका, मैंने देखा था पिछले वाले पिक्चर में जी, जो लास्ट में आपने भेजा था उसमें एक जगह से आ रहा था, बाकी सब में तो ऑलमोस्ट नहीं आ रहा था। शुरुआत में जो था तो हर किसी को हो रहा था। तो एक्चुअली जो नीचे वाला पोर्शन होगा ना जी, नीचे
वहां पे ज्यादा आ दिखता है, मतलब मंदिर उसमें ज्यादा आता है। वहां से ज्यादा आ रहा था। हाँ, और जो बीच का एक वो होता है ना, जैसे चिट्ठी से नीचे और अनंत तक जाता है वो लाइनिंग होती है ना, जी इसके राइट में, तो उसमें जो हो गया था फूल गया था, जैसे होता है ना वो, जैसे जलने वाले थे वो क्या करता, पोलर टाइप निकलाता है ना, जी जी उस टाइप का हो गया था 1.5 इंच तक, तो वो अभी बाकी है, मतलब उसमें ज्यादा कम नहीं हुआ, 50% कम हुआ है। उसमें कितना कम हुआ? 50% कम हुआ, जितना था पहले 50%। हाँ, बाकी तो 80% कम है। बाकी समय कितना है, मतलब पहले के हिसाब से 80% से ज्यादा कम है? 80%, मतलब जो पहले बताया था ना आपको, 50% पहले ही हो गया था, जी जी गया था, गया था। उसके बाद रह गया था जी, उसका तो 30-40% से ज्यादा कम हो गया, काफी कम हो गया। वेरी गुड। और जो बार बार यूरिन जा रहे थे अपना रात में, जी वो सरप्राइज, मतलब थोड़ा मुझ पेशाब लगी, लगा कि पेशाब लगी है, उठता हूँ फिर सोचता हूँ उठूंगा, फिर 1 घंटे के बाद जब मैं खुली तो देखा, मतलब 1 घंटा तो हो गया था, पहले से बेटर है, मतलब और मतलब एक्सटेंड हो गया था। जी, पहले से बेटर है? हाँ, पहले से बेटर है, मतलब पेशाब कमी नहीं आनी है। पहले कितनी बार जाते थे आप रात में? पहले 4-5 बार हो जाता था। अच्छा, अभी कितना हो रहा है? अभी करीब 3 बार समझ लीजिए, 3 बार हो रहा है। ओके, वेरी गुड। गैस की क्या कंडीशन है सर? गैस तो नहीं है अभी, गैस नहीं है। और खाना पीना जो मैंने बताया था सारा डाइट का वैसे ले रहे हैं? हाँ, खाना वैसे ले रहा हूँ। ओके, सुबह को पानी ले रहा हूँ, खरबूजा आम मेरे ख्याल से नहीं लेना चाहिए, थोड़ा सा आम भी रहता है। ठीक है, ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। आपका कोई शुगर वगैरह का तो नहीं है ना? जी, शुगर वगैरह की कोई दवा तो नहीं चल रही है? नहीं, शुगर वगैरह नहीं, कोई शुगर बड़ी भी नहीं है, नॉर्मल है। बहुत अच्छे से सर मेंटेन किया आपने, 82 एज में आपने बहुत अच्छे से, मैं बोलूँगा कि आप सब कुछ चीज़ों को अच्छे से कर रहे हैं। असल में बचपन से ही मेरा रूटीन रहा है ना, सही रहा है। जी जी, फिर एक चला गया तो उसमें तो मैच कर रहा था उसमें, जी कुछ लोग गुजराती बच्चे आए थे, कुछ बाद में भाग भी गए, तो मैंने कहा यार जैसे घर पे हम करते थे ऐसा ही है, तो रूटीन की वजह से थोड़ा सा उससे फर्क पड़ता है। जी ठीक है सर, बढ़िया चल रहा है ना, बस इन सारी चीज़ों को फॉलो अभी करिए। मेडिसिन अभी चेंज कोई नहीं करनी है, सेम अभी चलने दीजिए तीनों को, सुबह दोपहर शाम, ठीक है? 3+2=5। हाँ, वो टेबलेट वाले दे, हाँ टेबलेट दे दीजिए। जी 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 ठीक है, अभी सही चल रहा है, 1 वीक तक सेम, ठीक है, 1 वीक ले करके फिर मुझे बताइए। खाने पीने में और अगर कुछ अच्छा हो सकता है तो उसको कर लीजिएगा, है ना? मौसम अभी ठीक होने जा रहा है, तो मौसम ठीक होगा तो थोड़ी सी और खाने पीने का सिस्टम बनेगा, ठीक है? ठीक जी ठीक। तो दोस्तों, आपने सुना कि सौकत सर का पहले क्या कंडीशन थी और अभी कंडीशन क्या है, कितना इम्प्रूवमेंट हो चुका है, ऑलमोस्ट 50% के आसपास में उनका इम्प्रूवमेंट रहा है पिछले 1 महीने के अंदर में, तो ये बहुत ही जबरदस्त है कि उस अवस्था में वो इतना अच्छा इम्प्रूव कर पा रहे हैं, और आने वाले समय में बहुत ही जल्दी देखेंगे कि बहुत अच्छा उनका इम्प्रूवमेंट रहेगा और जल्दी ही ठीक होते हुए आपको नजर आएंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि शायद शर्म की वजह से या जिस भी कारण से सामने नहीं आना चाहते हैं, अपने आप को छिपाते हैं, अदरवाइज ऐसे बहुत से केसेस हैं जो कि लगभग लगभग 100% के आसपास भी क्योर हो चुके हैं। एक मेरे पेशेंट हैं राहुल जी, बॉम्बे से हैं, उनका केस लगभग 99% या मैं कह सकता हूँ कि लगभग 100% के आसपास में क्योर है उनका, और जल्दी ही उनका भी रिव्यू मैं लेकर के आऊँगा। मेरी बातचीत हो रही है, जैसे ही वो वीडियो दे अगर देते हैं या साथ में आकर के अगर लाइव करते हैं तो उनका एक इंटरव्यू या उनकी कोई वीडियो मैं लेकर के आने की कोशिश करूंगा, जिससे आप लोगों को और ज़्यादा मोटिवेशन मिले, आप लोगों को और ज़्यादा विश्वास हो कि हाँ ये होम्योपैथिक दवा से ठीक हो सकती है, उसके लिए कहीं से भी ऑपरेशन कराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है?
तो दोस्तों एक छोटा सा मोटिवेशन वीडियो की तरह है ये, जिसमें आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और साथ में थोड़ी सी और ऐसी जानकारी जिससे कि आप समझ सकें कि कैसे होम्योपैथिक दवा काम करती है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो उसको लाइक करिएगा, और किसी टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो उसको जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलता हूँ आपसे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।